Today in this video, I will tell you about how to do condition formatting in Excel. Condition formatting एक ऐसा feature है Excel का जो बहुत ज़्यादा helpful है, जिसमें आप easily calculate कर सकते हो, sort कर सकते हो data on the basis of their value. ठीक है? So first of all, आपने जो भी अपनी tabular sheets बनाई हैं Excel में, आप वो particular range select करिए जिसमें basis पे आपको condition लगानी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे नंबर्स पे लगानी है. आई एम सेलेक्टिंग द नंबर्स पार्ट. वो आपको जहाँ तक सेलेक्ट करना है, मीन्स आपकी जहाँ तक रेंज है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो. मेरे पास अभी इतने डेटा है तो मैंने इतनी रेंज सेलेक्ट कर ली. नाउ अब आप देखोगे होम टैब में स्टाइल ग्रुप में एक ऑप्शन दिया है कंडीशन फॉर्मेटिंग. कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऐसा फीचर है जिसके बेसिस पे आप, फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बच्चे 33 से ज़्यादा पाए हैं, ये जो जिनकी वैल्यू 33 या 100 से ज़्यादा है, वो इस पर्टिकुलर कलर से डिनोट हूँ, सो दैट मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ हाउ मेनी नंबर स्टूडेंट आर पास, हाउ मेनी नंबर्स आर स्टूडेंट आर फेल, हाउ मेनी स्टूडेंट आर गेटिंग मोर देन 50%, मोर देन 80%. ठीक है? सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स डू द फॉर्मेटिंग. कंडीशन फॉर्मेटिंग में आप क्लिक करोगे. नाउ आई वॉन्ट हाईलाइट द सेल रूल्स, मीन्स मैं चाहती हूँ एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे मेरी वो पर्टिकुलर सेल्स हाईलाइट हो. नाउ आई वॉन्ट दी ग्रेटर देन लेस, बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, मीन्स इस पर्टिकुलर रेंज से इस पर्टिकुलर के बीच में हो वैल्यू, या आप चाहते हो कि नहीं, जिसके सिर्फ और सिर्फ 33 आए हैं वो इक्वल्स टू में आप देखोगे. आप ज़रूरी नहीं है सिर्फ नंबर पे लगाओ, आप टैक्स पे भी लगा सकते हो, मीन्स इस पर्टिकुलर टैक्स को हाईलाइट करिए जिस पर्टिकुलर सेल में ये पर्टिकुलर टैक्स लिखा हुआ है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे वो टैक्स हाईलाइट करना है जिसमें वैल्यू लिखी ट्रू. आप इसके बेसिस पे ट्रू एंड फॉल्स भी चेक कर सकते हो. सो मैं फिलहाल ग्रेटर देन देख रही हूँ. नाउ जैसे ही आप ग्रेटर देन पे क्लिक करोगे, आपके सामने देखिए डायलॉग बॉक्स में क्या दे रहा है, कंडीशन सब कुछ रेड हो गया क्योंकि मैंने क्या वैल्यू डाली है, 64. मैं इसको इरेज कर रही हूँ. मैं चाहती हूँ जिसकी वैल्यू, वो सेल हाईलाइट हो जिसके नंबर्स 90 से अबव हों. ठीक, तो ये देखिए राइट हैंड साइड में देखिए, मुझे वही सेल यहाँ पर मुझे कलर भी डिनोट कर रहा है, तो मैंने लाइट रेड चूज़ किया है. 90 से अबव वैल्यू मेरे को हाईलाइट कर रही है रेड कलर से. फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे चाहिए 80 से अबव या 85 से अबव, 85 ठीक या 80 कर लो, जो भी आपकी इच्छा हो आप वो कर सकते हो. तो 80 से अबव देखिए मेरे को सेल हाईलाइट हो रहे हैं. नाउ मुझे ये रेड कलर से नहीं चाहिए, तो मैं देखिए चूज़ कर सकती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम चूजिंग डार्क ग्रीन, तो मुझे ग्रीन कलर से शो कर रहा है ये, देखिए राइट हैंड साइड में. इफ़ मैं यहाँ पर इसका कलर चूज़ करना चाहती हूँ, आप इसमें से अपनी नीड के अकॉर्डिंग या कस्टम कलर भी चूज़ कर सकते हो. ठीक है, या आप चाहते हो इसका कलर से रेड कलर से लिख के आए, तो आप वो भी कर सकते हो. ठीक है, नाउ ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बार कंडीशन फॉर्मेटिंग एक पर्टिकुलर रेंज पे लगा दी, आप दोबारा नहीं लगा सकते. सो दैट मैं दोबारा आपको लगा के दिखा रही हूँ. मैं चाहती हूँ वो पर्टिकुलर सेल हाईलाइट हो जिसकी वैल्यू लेस देन हो 33, मीन्स बच्चे वही वैल्यू हाईलाइट हो जिसकी परसेंटेज कम आई हो. ठीक है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 3300 में से देख रही हूँ, तो सिर्फ एक ही रिया हिंदी में 32 नंबर आए हैं जिसके जो कलर रेड कलर से हाईलाइट हो रहा है. ठीक है, इफ़ मैं 80 में से देखती हूँ, तो यू कैन चूज़ दी 27, अदरवाइज ऑल दी स्टूडेंट आर पास इन दिस एग्जामिनेशन. ठीक है, सो आई एम क्लिकिंग दी ओके बटन, तो देखिए मेरे को इस पर्टिकुलर इसमें लाइट ग्रीन भी दिख रहा है बिकॉज मैंने लाइट ग्रीन चूज़ किया है, और रेड भी दिख रहा है. आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा सकते हो. कंडीशन फॉर्मेटिंग की हेल्प से आपका डेटा बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाता है, आपको
मैन्युअली कैलकुलेट नहीं करना पड़ता कि कौन नंबर ऑफ स्टूडेंट पास हैं, ये किसकी वैल्यू 33 से कम है या ज़्यादा है. सो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो, हिट द लाइक आइकन. बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.